नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी। आज से आप लोगों को रीट लेवल सेकंड में आने वाली रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगी। उस रसायन विज्ञान में आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं परमाणु और अणु। चलो अब हम सबसे पहले परमाणु के बारे में स्टडी करेंगे। परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की संरचना के मॉडल्स पढ़ेंगे हम अलग अलग, उसके बाद हम अणु पे आएंगे। अब हम सबसे पहले आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परमाणु के बारे में जो परिभाषित किया गया था वो दो भारतीय दार्शनिक थे, एक महर्षि कणाद और एक पंकुदा काव्याम। महर्षि कणाद और पंकुदा काव्याम भारतीय दार्शनिक, पहले भारतीय दार्शनिक थे, पहले भारतीय दार्शनिक थे। कौन से? महर्षि कणाद और पंकुदा काव्याम, जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। महर्षि कणाद ने यह कहा कि पदार्थ को हम जब विभाजित करते हैं तो सूक्ष्म कण में पदार्थ को जब तोड़ते हैं तो एक सीमा ऐसी आती है कि उसके बाद इन सूक्ष्म कणों को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। मीन्स महर्षि कणाद ने यह कहा कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलके बना हुआ होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को विभाजित नहीं कर सकते, इन सूक्ष्म कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये जो सूक्ष्म कण जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता इनको ही परमाणु कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो परमाणु शब्द जो दिया था ये भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद और पंकुदा काव्याम ने दिए थे, लेकिन ये केवल और केवल दार्शनिक सिद्धांत पे ही आधारित था। इनको कोई प्रायोगिक सिद्धांत नहीं दिया गया था, मीन्स इससे प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए थे। और विज्ञान जो है वो हमारे प्रायोगिक सिद्धांत को ही मानती है, दार्शनिक सिद्धांत को नहीं मानती, इसलिए इनको कोई मान्यता नहीं मिली थी। उसके बाद परमाणु की खोज का जो श्रेय मिलता है, परमाणु की खोज का जो श्रेय मिलता है परमाणु की खोज का जो श्रेय मिलता है वो मिलता है जॉन डॉल्टन ने। जॉन डॉल्टन ने ১৮০৮ में परमाणु की खोज की थी, और उन्होंने ये जो परमाणु शब्द जो आया था, इस परमाणु शब्द की जो उत्पत्ति थी वो ग्रीक भाषा के परमाणु शब्द की उत्पत्ति परमाणु शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक भाषा से ली गई थी, ग्रीक भाषा के एटोमिया से ली गई थी। ये परमाणु को क्या कहते हैं? एटम। तो ये जो एटम शब्द लिया गया था ये ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से लिया गया था। इस एटोमिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ना काटा जा सकने वाला,
और ना विभाजित होने वाला। ना काटा जा सकने वाला और ना विभाजित होने वाला। तो परमाणु की परिभाषा क्या बन गई? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु की खोज का श्रेय किसको जाता है? जॉन डोल्टन को जाता है। कब किया था इन्होंने? 1808 में किया था। कि कौन सी भाषा से लिया गया है परमाणु? ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन से शब्द से लिया गया है? एटोमिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसको ना काटा जा सके और ना विभाजित किया जा सके। तो ये था परमाणु के बारे में। अब जॉन डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डॉल्टन ने क्या दिया? परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया था जिसको परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डोल्टन ने दिया था। तो अब हम उस परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु सिद्धांत क्या क्या दिया। अब हम पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डॉल्टन ने दिया। कब दिया? 1808 में दिया। इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, पहला है पदार्थ का वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसको हम आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। सूक्ष्मतम कण पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाजित कण, अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। पहला तो उन्होंने परमाणु की परिभाषा दी कि पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसको हम आगे विभाजित नहीं किया कर सकते, वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। दूसरी बात, एक ही तत्व के सभी परमाणु का आकार और परमाणु भार समान होता है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, सभी परमाणुओं का आकार वह परमाणु भार समान होता है। जैसे हम बात करें O2 में, ऑक्सीजन, O2 में दोनों परमाणु क्या है? O और O। दोनों परमाणु का आकार भी सेम है और भार भी इनका सेम है। जैसे हम बात करें H2, दो परमाणु कौन कौन से हैं? H और H। दोनों परमाणुओं का आकार भी समान है और परमाणु भार भी समान है। तीसरी बात, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार और परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं। क्या कहा? अलग अलग तत्वों के अलग तत्वों के परमाणुओं का आकार
वह परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे हम दो तत्व ले, एक O2 ले और एक N2 ले। O2 के अंदर दो जो परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, O परमाणु हैं। जबकि N2 में जो परमाणु हैं वो N है। O और N दोनों अलग अलग हैं, इनका भार भी अलग होता है और इनका आकार भी अलग होता है। चौथा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि परमाणुओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। क्या कहा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम परमाणुओं को न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही परमाणुओं को बनाया जा सकता है, लेकिन परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही परमाणुओं को बनाया जा सकता है। जैसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये रिएक्शन करता है जिंक के साथ, ये अभिक्रिया करता है जिंक के साथ और रिएक्शन होती है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। इसके आधार पे रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहे हैं? परमाणु भाग लेते हैं। याद रखना, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जॉन डॉल्टन के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस लिख दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस के आधार पे आपको छांटना होता है। तो आप क्या कहोगे, कौन भाग लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं, लेकिन परमाणुओं को न तो बनाया जा सकता है और न ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। देखो कैसे, ये मैंने एक कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखी, इसमें ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अभिकारक में भी कॉपर एक है, सल्फर एक है और ऑक्सीजन 4 है और जिंक 1 है। उत्पाद में भी हमें जिंक के परमाणु 1 मिला, सल्फर का परमाणु 1 मिला और ऑक्सीजन के परमाणु 4 मिले और कॉपर का परमाणु 1 मिला। जो हमारे अभिकारक में जितने परमाणु थे उतने ही परमाणु हमें कहां मिले? उत्पाद में मिले। सेम नंबर में परमाणु मिले लेकिन परमाणुओं क्या हुए? परमाणु अरेंज हो गए, व्यवस्थित हो गए। यहां पे परमाणु जो है परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थित हो गए, परमाणु जो है रीअरेंज हो गए। लेकिन परंतु परमाणु
पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं भाई, कॉपर था यहां पे सल्फेट के साथ में कॉपर लगा हुआ था, जब उत्पाद बना तो इस सल्फेट के साथ कौन अटैच हो गया, जिंक लग गया, तो परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थित हो गए, लेकिन कोई नया परमाणु न तो बना और न ही कोई परमाणु नष्ट हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु, अणु, तत्व या यौगिक, तो आप क्या कहोगे, परमाणु भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं परमाणु सिद्धांत, किसने दिया, जॉन डॉल्टन ने दिया, कब दिया, 1808 में दिया। क्या कहा इस सिद्धांत के पहला पॉइंट क्या था, कि परमाणु जो है वो सूक्ष्म अविभाज्य कण से, सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। अब आता है ये हमारा परमाणु सिद्धांत हुआ। परमाणु सिद्धांत में हमने क्या क्या पॉइंट बताए, पहला पॉइंट बताया कि परमाणु सिद्धांत दिया किसने था, हमें ध्यान रखना है परमाणु सिद्धांत जो था वो जॉन डॉल्टन ने दिया, कब दिया, 1808 में दिया। क्या सिद्धांत था, पहला था कि पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलके बने हुए होते हैं और ये सूक्ष्म अविभाज्य कण जो है वो परमाणु कहलाते हैं। दूसरा क्या बताया, कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का आकार और भार समान होता है। तीसरा क्या बताया, अलग अलग तत्वों के परमाणु और भार अलग अलग होते हैं। चौथा क्या बताया, कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, लेकिन परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही परमाणुओं को बनाया जा सकता है, बल्कि परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसका हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम पढ़ेंगे परमाणुओं पर आवेशित आयन। परमाणु के आवेशित कण, देखो अभी तक जॉन डॉल्टन ने यह कहा कि परमाणुओं को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते ये कहा कि जब हम पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो पदार्थ जो है वो आवेशित हो जाता है। पदार्थ आवेशित कब होगा, जब परमाणुओं में कोई आवेशित कण उपस्थित होंगे, या कहें कि पदार्थ में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, मीन्स ये विद्युत के चालक होते हैं। तो विद्युत के चालक कब होंगे, जब इनमें कोई आवेशित कण होगा। तो क्या कहा, कि परमाणुओं में आवेशित कण होते हैं, मीन्स परमाणुओं को भी आगे विभाजित किया जा सकता है। कब, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या कहा, परमाणुओं को भी विभाजित किया जा सकता है। इन परमाणुओं पे
दो आवेशित कण होते हैं, एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। एक आवेशित कण जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम ई से डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो खोज किसने है, खोजकर्ता। जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है, इसकी खोजकर्ता जे जे थॉमसन थे। और इस पे आवेश ऋणात्मक होता है, -1। और इसका द्रव्यमान नगण्य, मीन्स इसका द्रव्यमान जो है वो नेगलेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में था। दूसरा, उसी टाइम गोल्डस्टीन ने जो है वो एक धनावेशित विकिरण की खोज की। उस धनावेशित विकिरण पे जो आवेश था वो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही था, लेकिन जो विपरीत था, मीन्स इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या आया, उसको क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन पी से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन की खोजकर्ता जो थे प्रोटोनों की जो खोजकर्ता थे रदरफोर्ड थे। प्रोटोनों की खोज की खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। इसको आवेशित कण जो कैनाल विकिरण जो थी उसकी खोजकर्ता तो कौन थे, कैनाल रे। इसकी खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन थे। याद रखना, कैनाल रे की जो खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन थे। ये कैनाल रे भी प्रोटोनों की तरह ही होते हैं, मीन्स इन कैनाल रे पे भी क्या होता है, पॉजिटिव धनावेश होता है, और ये धनावेश भी उतना ही होता है जितना प्रोटॉन पे होता है। तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड। इस पे आवेश क्या होता है, धनात्मक +1। और द्रव्यमान, इनका जो द्रव्यमान है वो 2000 अधिक होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ये दो आवेशित कण और पता चल गए कि परमाणु को हम आगे इन दो कणों में विभाजित कर सकते हैं। तो अब आता है कि 19वीं शताब्दी में अब वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या आई कि इस परमाणु में इन इलेक्ट्रॉन, ये जो आवेशित कण है, इनका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से ये उस परमाणु में व्यवस्थित होते हैं। इसके आधार पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल दिए गए। तो अब हम परमाणु की संरचना के बारे में जो दिए गए मॉडल है वो पढ़ेंगे।
इन मॉडल्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे तो रिलेटेड यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना गया है और प्रोटोनों का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना ज्यादा होता है। अब कितना होता है, पूरा प्रॉपर रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल पढ़ेंगे वहां पे मैं सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगी। यहां तक आपको इतना ही चीजें याद रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की जो खोज थी वो जे.जे. थॉमसन ने की थी और प्रोटॉन की खोज जो थी वो रदरफोर्ड ने की थी। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की, जे.जे. थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। इलेक्ट्रॉनों पे आवेश क्या है, ऋणात्मक है, प्रोटॉनों पे आवेश क्या है, धनात्मक है। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है और प्रोटॉनों का द्रव्यमान जो है, यदि ये लाइन आ जाए कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 अधिक होता है। और कैनाल रे की खोज किसने थी की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। अब हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना और इस परमाणु संरचना के बारे में हम अलग-अलग मॉडल पढ़ेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। परमाणु मॉडल पढ़ेंगे हम। परमाणु मॉडल में जे.जे. थॉमसन मॉडल है, उसके बाद आपका रदरफोर्ड मॉडल है, फिर आपके नील्स बोर मॉडल है और उसके बाद सोमरफिल्ड मॉडल है, फिर आपके मॉडर्न परमाणु थ्योरीज पढ़ेंगे हम। यहां तक का पूरा आपका परमाणु से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर हम उसके बाद ये परमाणु आपस में सहयोग करके अणु बनाते हैं, तो उन अणुओं के लिए सिद्धांत पढ़ेंगे अलग-अलग। धन्यवाद।